भेजेंगे जब तक रियल नहीं आता। हम लोग यही डटे रहेंगे। यही कैमरा था, यही माइक था, वही सर थे और वही हम लोग थे, लेकिन मिला तो क्या सिवा आश्वासन। आज भी आए, यही कैमरा यही माइक है, लेकिन आज भी क्या मिला हमको आश्वासन। जब इंटरव्यू होते होते रात के 12 बजे से पहले रिजल्ट आ जाते तो हमन के में ये केस काहे नहीं होती है, इसलिए भी तो बोलना चाहिए रही साहब जिम्मेदारी। पूरे दिन भाई कौन से महीना के 10-15 दिन बोले यही जवाब दे दे वो वहाँ कितना बार यही तो बोला था जितना बार आते 10-15 दिन कौन सा दस कब तक। पिछले महीना से हम यही सुना था हमें 10-15 दिन 10-15 दिन 10 आज भी वही सुन के जाबू का। मैं पिछले महीने से यहाँ आई हूँ, पिछले 7 दिनों से आमरण अनशन पे बैठी हुई हूँ, मैंने अपने परिवार वालों का मुंह नहीं देखा। क्या करें बताइए, हम बहुत परेशान है और अभी से नहीं जब से हम इंटरव्यू दिए तब से लेकर अब तक ये सभी युवा जो पीछे दिखाई दे रहे हैं ये एसआई के अभ्यर्थी पिछले कई घंटों से सड़क पर बैठे हुए हैं। आगे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का निवास है और उसके सामने ये जो युवा हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। गृह मंत्री से भी लंबी चर्चा हुई है। कोई बोलना नहीं चाह रहे एक अलग बोलो दूसरा अलग। नमस्ते जब तक रिजल्ट नहीं निकालेंगे तब तक हमारे बच्चे रहेंगे साथ में यही रहेंगे डटे रहेंगे नहीं जाएंगे बच्चे लोग के मम्मी पापा। हाँ, वो तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि बच्चे को रिजल्ट सहित ले जाएंगे अपने घर उसके बाद भेजेंगे। जब तक रिजल्ट नहीं आता हम लोग यही डटे रहेंगे हम लोग बस बच्चे लोग का भविष्य ज्वाइनिंग कर ले हम लोग को भी संतोष हो जाएंगे कि चलो मंदिर के पास चार तारीख को 11 बजे से बैठे हैं। हाँ, बैठे हम लोग रात को 11 बजे जब रिजल्ट नहीं देंगे तब तो बैठे रहेंगे भाई लोग एक बार बैठ जाओ देखिए यहाँ पर भाई लोग एक बार बैठ जाओ मीटिंग कर लेते इधर आ जाओ मीटिंग कर लेते लोगों से बातचीत कर एक जगह आ जाओ मीटिंग कर लेते जो है गृह मंत्री जी यहाँ से बातचीत हुई क्या बोले गृह मंत्री जी और रुक जाइए कुछ समय आप बताइए मुझे कि मैं कुछ समय के लिए रुक जाऊँ लेकिन इस कुछ समय में मेरे परिवार वालों को कुछ हो जाता है तो मैं कहाँ जाऊँगी। मैं पिछले महीने से यहाँ आई हूँ, पिछले 7 दिनों से आमरण अनशन पे बैठी हुई हूँ, मैंने अपने परिवार वालों का मुंह नहीं देखा था। आज मेरे माता पिता आए थे, वो लोग ज़्यादा समय तक बैठ नहीं सकते, उनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैंने उनको भेजा है कि आप जाइए करके। कब तक उन लोगों का मैं ऐसे देखते रहूँ और इस 2 हफ्ते या फिर कितना भी समय उनके द्वारा दिया जा रहा है इस बीच में मेरा माता पिता लोग सिर्फ एक रिजल्ट भी तो टिका हुआ वो लोग ये बोलते हैं कि तो रिजल्ट आ जाए बेटी तो हम 2-4 साल और दिया जी जा रहे हैं। मतलब ये सोचिए ना भाई कि वो लोग सिर्फ चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट आ जाए, ये उन लोग ये कन्फर्म हो जाए कि मेरी बेटी का एक जॉब लग गया है। दीदी आप मन बात कर रहे हो गृह मंत्री जी से और जब गृह मंत्री जी से बात कर रहे हो तो वो मन भी किए थे और सवाल भी हुए थे कि कुछ जन आमरण अनशन पे बैठे तब कुछ हो जी तब कौन जवाबदारी हुई गृह मंत्री की थे जवाबदारी कौन हो। अब इतना बड़ा बात है मीडिया के सामने में बोले सर सर हमन बहुत ठीक है चल लेकिन का दिक्कत की वजह से हुआ था वो है ये बात नहीं बोली इसका कि कोई भी एग्जाम होते जब मैं इंटरव्यू वाले रहते यूपीएससी हो या छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के भी हो जब इंटरव्यू होते होते रात के 12 बजे से पहले रिजल्ट आ जाते तो हमन के में ये केस काहे नहीं होती है इसलिए भी तो मतलब बोलना चाहिए रही साहब जिम्मेदारी हमन के हावे जो भैया मन बैठे आमरण अनशन में एक जो है भूतपूर्व सैनिक हावे और एक जो हावे वो संघ से जुड़े हुए हावे ठीक है और मैं हाँ पिछले मतलब छत्तीसगढ़ की बेटी होके यहाँ पे बैठे हवा तो कुछ सोच समझ के बैठे हुई हूँ ऐसे ही नहीं बैठ गई हमन हमन कोई के कोई। तो गृह मंत्री तो अभी निवेदन करके गए थे ना कि जो हम रण अंसल बैठे हो अपन अंसल तोड़ दोगे कब तक। पिछले महीना से हम यही सुना था हमें 10-15 दिन 10-15 दिन 10 आज भी वही सुन के जाबू का कितना 10-15 दिन भाई कौन से महीना के 10-15 दिन बोले यही जवाब दे दे वो हाँ कितना बार यही तो बोला था जितना बार आते 10-15 दिन कौन सा 10-15 दिन
यहाँ पे माता पिता मनाए हमें, ऐसे ही नहीं आगे हम हमन भी तो अपन सब्र करे, हम इतना सब्र करे इतना सब्र करे, अंतिम में जब नहीं लगे कि हमें से कुछ नहीं हो पाते तो हमारे माता पिता मन हमारे साथ दें कि चल हमारे पास तो मान ले सर। तो देखो इधर वो सभी बैठे हुए हैं और पहले भी आश्वासन मिला था जब आए थे और अभी भी आश्वासन मिला है, कहना है कि 10-15 दिन रुकिए, भाई साहब हैं वही फिर आपसी कहे हैं 10-15 दिन रुकिए, आप लोग से निवेदन भी किए हैं कि आप लोग घर जाइए, आप लोग हमारा अनुसरण जो कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, तो अभी क्या करने वाले हैं? सर पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन हम लोग लास्ट टाइम सबसे मिलने आए थे तो 4 सितंबर का दिन था, सर ने बोला 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, यही कैमरा था यही माइक था वही सर थे और वही हम लोग थे, लेकिन मिला तो क्या सिवा आश्वासन, आज भी आए यही कैमरा यही माइक है लेकिन आज भी क्या मिला हमको आश्वासन, एक फिक्स डेट नहीं मिल पा रहा, आखिर हम घर जाके करे तो करे क्या, हम स्टूडेंट है, हमारा काम आंदोलन करना अनुमय विनय करना कोर्ट कचहरी ये सब नहीं, हमारा काम पढ़ना है सरकार का काम नौकरी देना और हमको राज्य की सेवा करना है, अब इस स्थिति में हम आके ये सब करेंगे तो कैसा चलेगा, हमारा काम तो नहीं है सर ये, लेकिन हमसे करवाया जा रहा है, हम क्या करें बताइए, हम बहुत परेशान है और अभी से नहीं जब से हम इंटरव्यू दिए तब से लेकर अब तक हर दिन कुछ ना अभी जबकि रास्ता सब क्लियर है, कोर्ट ने भी बोल दिया है कि 90 दिन के भीतर जारी करें, अभी भी हम शांत है, हम सर के ऊपर ट्रस्ट किए हुए कि सर बोला है, लेकिन कब तक आखिर एक डेट हमको मिल नहीं पा रही है। सही है सही है, इधर देखिए इधर हमारी व्यथा कोई नहीं समझ सकता, हम बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं, अब आगे क्या करेंगे तो हम समझ ही नहीं, इधर इधर आपको कौन बताया, सुबह 11 बजे से इस जगह पे बैठे हैं, अब वक्त हो गया है रात 11 बजे का, 11 बजे सुबह से रात 11 बजे के वक्त हो गया है, गृह मंत्री भी 2-3 घंटे तक लगातार चर्चा किए, वो भी निवेदन किए, इधर से भी निवेदन हुआ, लेकिन इन्हें अभी जो मिला वो आश्वासन मिला, पहले भी गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई थी, पहले भी आश्वासन मिला था, अभी भी गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई, गृह मंत्री जी लंबी चर्चा किए पूरे परिवार के साथ, परिजनों के साथ और विद्यार्थियों के साथ, अभी भी खाली आश्वासन हाथ लगा, लेकिन गृह मंत्री ने भी निवेदन किया है कि भाई आप जो आमरण अनशन कर रहे हैं उसे भी छोड़ दीजिए, 15 दिनों के भीतर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो भर्ती है नियुक्ति है वो हो जाए, लेकिन आपको देखना होगा कि कब तक नियुक्ति होती है और कब तक इन्हें वर्दी मिलती है,